अगर भाई अपनी माँ का दूध पी लेता फिर तो बच जाता। ऐसा पता किसकी डेथ होगी। रोको हट जा, दाब लेने दे, हट जा। और गाइस कैप्टन रेड किंग का साथ दे रहा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रितिक डोकन। और गाइस सुबह सुबह एक बैड न्यूज है। जो पप्पी था ना जिसके भाई मैंने कल जान बचाई थी, उसकी भाई डेथ होगी आज। तो यही रहिए, अंदर मत आइए क्योंकि भाई रोक्सी पूरा एग्रेशन कर रही। और गाइस एक दिक्कत ये भी होगी, रोक्सी अपने पास भाई बिल्कुल नहीं जाने दे रही किसी को भी। ये देखना भाई पास जाते कैसे एग्रेशन करेगी। हाँ रोक्सी, बस 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 रोक्सी बस। और गाइस ये खड़ा हुआ पप्पी जिसकी डेथ होगी। सुबह भाई मैंने पप्पी का हाथ लगाने की कोशिश भी करी थी, रोक्सी ने भाई तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया होता। और गाइस रोक और कोको के ऊपर तो पूरा अटैक कर रही है, इन दोनों को तो अपने पास जाने ही नहीं दे रही। दोनों को भाई थोड़ा अलग अलग रखना पड़ रहा, क्या पता भाई फाइट वाइट हो जाए, क्योंकि भाई भी आने के बाद फीमेल एग्रेसिव हो जाए। रोक्सी के अंदर तो पहले से गुस्सा ज्यादा है। अब भाई जैसा तैसा करके उस पप्पी को हटाऊंगा उसके पास, फिर उसे दाबना चलेंगे। हर तरह से ट्राई कर लिया, ऐसा खाना वाना भी दिखा लिया, और गाइस वैसा भी कोशिश कर ली पूरी, बट भाई उठ नहीं रही बिल्कुल भी। रोक्सी खड़ी हो जा, हो जा नहीं, ये देखना भाई पास जाती कैसे करेगी। बस रोक्सी बस बस बेटे बस। वैसे भाई बाकी तो सारे सारे पप्पीज ठीक है। और गाइस बार कोको को देखो कैसे देख रही है। कोको अंदर मत आइए, रोक्सी पीट भी देगी अपने पप्पीज के लिए, तो भैया रोक के साथ भी लड़ जाएगी। तो गाइस अभी सोच रहा थोड़ा सा इंतजार ही करता हूँ, जब भाई की टॉयलेट वगैरह होगी या भाई खुद बाहर आ जाएगी तब आराम से जाकर इसका पप्पी हटा देंगे। अगर भाई ऐसा शाम तक उठती है ठीक है, वरना भाई फिर कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। और गाइस चिंटू डोन को तो दाब भी लिया था रोक्सी ने, चिंटू उसके पास जा लिया, रोक्सी ने तुरंत इसकी गर्दन पकड़ ली। चिंटू की जान पा गई थी, बहुत मुश्किल से आया बच के। ऐसे घूम रहा हमारा रेड किंग, रेड किंग का भाई का जख्म हो रहा नीचे बिल्कुल, अभी अभी ध्यान पड़ा रेड किंग के नीचे गड्ढा सा हो रहा, पता नहीं भाई कुछ लग गया होगा। और गाइस जो ये मौसम चल रहा है इसमें कीड़े बहुत जल्दी हो जाए जख्म में, दिखाता हूँ भाई देखो कहाँ पूरे। ये देखो भाई नीचे गड्ढा हो रहा है इसके, और गाइस बिल्कुल अभी अभी ध्यान पड़ा, रात में ही हो गया इसका। अब भाई एक बार इसका दवाई लगाता हूँ, लगा दी दर्द हुआ वो एकदम से अंदर भाग गया। वैसे भाई इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, दो तीन दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और गाइस मुझे ऐसा लग रहा है इस वाले पप्पी ने दांत मार दिया रेड किंग का, क्योंकि भाई सबको अपनी मम्मी समझा है, नीचे बुड़के भर ले सबके। कुछ भाई इसके दांत भी इतने पहने पहने हैं चावल से, गड़ जाओ जहाँ पे बुड़का भर ले। सिम्बा तू बचिए, तेरे साथ बहुत खेल रहा है। ओए दांत छुपा दिया, हट जा खाल पड़ेगा इसकी। एक बुड़के में साफ कर देगा था जाओ। ओहे मुंह पे बुड़का भर लिया, आंख में दांत मार दिया, हट जा रामी, हट जा मान जा मान जा मान जा मान जा मान नहीं हट जा हट जा हट जा हट जा। तो गाइस अभी रेड किंग को केज के अंदर बंद कर दिया, क्योंकि भाई वो छोटा पैकेट भाग भाग के चिपट रहा था। और गाइस इन सबको देखो नीचे आगे लेट रहे, ये सब उसी के डर की वजह से लेट रहे। क्या बोला तूने? रोक शुरू में तो तीन चार दिन उसके साथ खेला, बट भाई अब सारे के सारे बचने लगे उससे, क्योंकि भाई उसे कुछ नहीं कह पाते और गाइस वो सबको लपेट दे। तो गाइस अभी फाइनली रोक्सी उठ का भाग गई, या थोड़ी बहुत देर कोई बाहर आई, इतना भैया पानी वानी पीती है, इसका पप्पी हटाता हूँ वहां से। और बाकी पप्पी को है तेरी एक हो जा, इसके पीछे तो नहीं छुप गए। अरे ये भी सारे के सारे अंदर आ गए, चलो बाहर चलो जल्दी चलो। और गाइस पप्पी पता नहीं कहाँ जा लिया, यहाँ पे तो बस दो ही है, ये घुस रहे इसके नीचे घुस के थे बोरी के। और गाइस ये रहो पप्पी जिसकी डेथ होगी, इसे भाई कहीं को रखता हूँ छुपा कर उससे। और गाइस थोड़ी देर में शाम ही हो जाएगी, शाम के टाइम दबाऊंगा उस पप्पी को, क्योंकि भाई अब तो खैर हो रही, अब तक रोक्सी का इंतजार कर रहे थे कब बाहर निकले। और गाइस ज्यादा ही बुरा सा लग रहा, क्योंकि भाई कल तो उसकी जान बचाई, और गाइस आज उसकी डेथ होगी। वैसे तो ये वाला पप्पी बची का था, बट भाई ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया। थोड़ी देर में भी आराम करता हूँ, फिर उसे दाबना चलेंगे। A few inches later. तो गाइस शाम होगी, चलता हूँ पप्पी को दाबने के लिए। और गाइस रोको देखो कैसे कर रहा, रोको चलेगा तू भी जा लिया। सोच रहा भाई रोको भी लेकर चलता हूँ खेत में, साथ साथ भाई पप्पी को भी दाबी आऊंगा। हाँ रोको बाइक पर चलेगा, आज चल बैठ जल्दी। तो गाइस तो सीन बढ़ेगा, अचानक से बारिश आ गई बहुत तेज, और गाइस धूप निकल रही है देखो, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अचानक से भाई पूरी तेज बारिश आ गई, और गाइस अब तक बिल्कुल कैडी धूप निकल रही थी, धूप तो वैसे अब भी निकल रही, बारिश आ गई तेज। बारिश रुकने का इंतजार करते हैं, और गाइस फिर पप्पी को दाबेंगे। रोको गंदा ना हो जाइए, बाइक पर जाना बैठ के, ये घुस गया पानी के अंदर गया। आज भाई मैं इसकी लीज भी नहीं ले रहा, ये पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, सारा गंदा हो गया। बैठ आराम से, हिलिए मत, रुकगी बारिश। अब भाई साहब दाबते हैं गड्ढा वड्ढा खोद के। अगर भाई अपनी माँ का दूध पी लेता फिर तो बच जाता, बट भाई इसने अपनी माँ का दूध नहीं पिया। और गाइस वैसा दूध हमें से पिला नहीं सकते, रोक भी चेक कर रहा नो, कह रहा क्या हो गया, बट भाई चलो कोई नहीं क्या कर सके, हमने भाई अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। इसके चक्कर में भाई मैं रात सोया भी नहीं, बार बार इसे देखू था आके ठीक है क्या, फिर भाई इसकी सुबह के टाइम डेथ ही होगी। तो गाइस अब ठीक से जगह देख कर फिर भाई गड्ढा खोद देंगे। और गाइस रोक को देखो इसी के पास बैठा, रोक भाई सारी चीज समझे, इसे पता किसकी डेथ होगी। अगर भाई जिंदा होता अब तक तो भाई इसके साथ खेलने लग जाता, पर भाई एक ही दिन का था। रोको ध्यान रख तू इसका, इतना हम गड्ढा खोद लेंगे। तो गाइस अभी गड्ढा तो खुदी का लेकर आता हूँ पप्पी को, रोको हट जा दाब लेने दे, हट जा। बस भाई अब तो दुआ करना कि बाकी पप्पी का कुछ ना हो। वैसे तो भाई बाकी सारे पप्पी नॉर्मल है। ओए रोकू तू कहाँ घुस गया, यो मा करा का गंदा, सिट बस हिल मत जाइए यहाँ से, बैठा रहे पैर वैर सब काले पीले कर लिए। और गाइस मौसम देखो आज कितना भयंकर हो रहा, एकदम से बारिश आ जा एकदम से धूप निकल जा। ओए रोकू तू फिर घुस गया इसके अंदर, बाहर निकल गए, यहाँ बैठ जा, बस बैठ हिलिए मत, बार बार हिल जा। वैसे तो भाई 100% गंदे होंगे, बट भाई फिर ये है कि थोड़े कम गंदे होंगे, इसे थोड़ा सा सुखा के जब लेके जाएंगे, वरना भाई अब तो बिल्कुल काला भूत हो रहा, अपने साथ साथ हमें भी भूत कर देगा।
रोक के बच्चे ऐसे ऐसे काम क्यों कर रहा तू? फिर भाग गया। ओए अंदर मत जाइए, बैठ, बार बार कहना पड़े। और गाइस मेरे इधर उधर जाते तुरंत उठ के भाग जा। बहुत तेज हो रहा है। तेज मान रहा अपने आप को ज्यादा। रोक के बच्चे, ज्यादा तेज ना बने तू। अब भाई पप्पी के पास जा लिया, जा पप्पी दफन कराना। कुछ भाई थोड़ी सी दिक्कत उस पिटबुल वाले मेल की भी हो रही। जो ब्लैक कलर का पिटबुल का मेल है ना, वो यहीं कोई कहीं को घूम रहा। आज भाई हम इसकी लीज़ भी नहीं ले रहे, पक्का फाइट हो जाएगी। और गाइस इन ब्रीड के साथ बस एक यही दिक्कत है, इंसानों के साथ तो फ्रेंडली हो जाए टाइम देने से, बट भाई डॉग के साथ बहुत कम हो गया। क्योंकि भाई ये ब्रीड एनर्जेटिक ब्रीड होगी ना, जब मेरे पास रोक आया था बहुत ज्यादा एग्रेसिव था। और गाइस अब देख लो कितना ज्यादा शांत है और समझदार है, बट भाई डॉग के साथ कभी भी शांत नहीं हुआ। मेल डॉग के साथ तो पूरी फाइट करे। जब एक बार रोक का पिछवाड़ा साफ कर दो, फिर भाई घर पर लेकर चलूंगा। रोक के बच्चे साफ करवा ला पिछवाड़ा, देखना भाई मस्ती में आ गया। हाँ क्या हो गया, ग्रिप लगाओगे इसमें? लगा भी ली। रोको मान जा, ऐसे काम ना करा कर तू। साफ करवा ला अपना पिछवाड़ा। नहीं छोड़ जा, बस बहुत देर होगी। पिछवाड़ा साफ करवा ला अपना। रुक स्टे, बस फाड़ दे जो होगा देखी जाएगी। फाड़ दे कपड़े का तो भाई से ना बिल्कुल चीर रहना कर दिया। रोको बस घर चलिए, मान जाए ऐसे काम ना कर तू कुछ। अगर भाई रोक की जगह पर कोको होती ना, कोको तो कभी मेरा ग्रिप लगा देती, बट भाई है कि रोक गलती से मेरा हाथों हाथ कुछ नहीं पकड़ सकता। बस मान जा, आ घर चलिए चल। ओए बदतमीज जागुआ। नहीं रोक, मेरी चप्पल लेगा, ऐसे ऐसे काम कर लेगा। चलो चलो बाइक पे बैठिए, चल जल्दी आ जा, साइड को आ जा, जल्दी आ जल्दी आ, बैठ जा। और गाइस ये देखो बैठते इसने मेरे कपड़ों के हाल करा, बट भाई चलो कोई नहीं। और गाइस अभी से घर में छोड़ गया, फिर भाई रेड किंग को लेकर आऊंगा। वैसे तो रेड किंग का चोट लग रही, बट भाई फिर भी घुमाना लेकर आऊंगा, क्योंकि भाई रोज की आदत होगी ना उसे। और गाइस सामने डॉग्स की पूरी गैंग है, रोक का सारा ध्यान उसी साइड को है। वैसे तो भाई रोक इस साइड को देख रहा, बट भाई उतरने का नहीं चलती बाइक पे। तो गाइस अभी घर आते रोक का दोस्त मिल गया चिंटू, कह रहा मुझे नहीं लेकर गए। हां चिंटू बाइक पे मिला गाइस से, एहे गाइस आ गया रेड किंग को लेकर खेत में। और गाइस सामने देखो बिल्कुल कहर उठ रहा डॉग्स का। ये देखना भाई पूरी रोड जाम हो रही डॉग्स से, डॉग्स से ज्यादा तो इंसान आ रहे। वाह क्या सीन है। ये देखना भाई यहां से वहां तक डॉग्स ही डॉग्स हो गए, पीछे भाई टाइगर खड़ा। और गाइस यहां पर बस रेड किंग के दो ही दुश्मन है, एक तो टाइगर हो गया और गाइस एक कैप्टन हो गया। बाकी तो भाई किसी के साथ दिक्कत नहीं है। अरे ये कौन सा कुत्ता है निकल गया। तो गाइस अभी कैप्टन को ये वाला मास्क पहना के देखते हैं क्या, देखते हैं निकल लेगा। आ जा भाई कैप्टन, आ जा घूमने करने चलेंगे। ओ भाई निकाल देगा, निकाल देगा, हटा हटा तोड़ ओड़ देगा, खत्म। अगर भाई वो पंजे ना मारे फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बट भाई पंजे मार रहा ना, लिगड़ा नहीं वो पंजा मार रहा, टूट तो जाएगा। अब भाई से रेड किंग से मिलवाते हैं, क्योंकि भाई रेड किंग सामने से अटैक करता नहीं। और गाइस वो कर नहीं पाने का, दोनों पूछ ला रहे। आओ इधर आप छोटे से फोन लगा लगा दिया लो, आप इधर से छोटे से इधर से आप छोटे के ठीक है तो जी पार्टी होगी, फाइट करवानी के नहीं। हां जी आपकी पूरी वो करनी ले पीले ना, काला है इसका नाम, यू लालू है वो, कालू है। अरे कालू तो है, ये पर बच्चा ही है। कौन है ये लोग? दारू पीने के बाद हिम्मत दुगनी आ जा। कैप्टन का हमने मास्क निकाल लिया था, बट भाई फिर भी इसके मुंह में हाथ देने को हो रहे थे। मुझे भाई एक बार को टेंशन हो गई थी कि कहीं कैप्टन पकड़ ना ले। तो गाइस अभी रोकी आ गया और गाइस रोकी के साथ एग्रेशन होने लगा। ए रुक जा। और गाइस कैप्टन रेड किंग का साथ दे रहा, इसका यू बगल कर ले सब। और गाइस रेड किंग गुस्से में इतना ज्यादा इसलिए आ रहा था क्योंकि भाई उसके साथ एग्रेशन हो गया था ना 2-3 दिन पहले। रेड किंग मजल ना निकाल लिया बस तू ठीक है। चलो भाई ले लिया रिस्क थोड़ा सा। सुन 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 पीछे खींच ले, पीछे खींच ले। तो गाइस अभी कैप्टन ने इसके मजल पे बुड़का भर लिया था और गाइस मजल निकल गया था, अब दिक्कत हो जाती भाई। और गाइस इसीलिए मैं रोक के साथ मिलवाता हुआ डरू, समझ रहे हो? जब घर पर चलता हूँ क्योंकि भाई अंधेरा होना स्टार्ट हो गया। चल गया भाई रोक्सी के पीस देखूंगा ठीक ठाक है क्या। आ गया घर पर और गाइस रेड किंग को ऊपर छोड़ दिया। रोक्सी क्यों भोग रही? अच्छा रोक तू आ गया, रोक चल बाहर, चल बाहर चल, इसे भाई बाहर ही भेजता हूँ वरना भाई रोक्सी अटैक कर देगी। तो गाइस अभी रोक्सी को खाना रखा था और गाइस खाना खिलाने के बाद ने एक पप्पी भाई मैंने उठा लिया। और गाइस वैसे तो सारे सारे पप्पी हेल्दी है, मुझे भाई लगता नहीं कि और किसी की डेथ हो गए। और गाइस अभी तो सारे सारे पप्पी ब्लैक कलर के है, धीरे धीरे इनका कलर चेंज हो जाएगा। अभी तो भाई बस हल्का हल्का पैरों का निशान अलग है और तो भाई पूरे के पूरे ब्लैक है। और गाइस आज के व्लॉग के एंडिंग इस पप्पी के साथ ही करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और गाइस लास्ट में सब्सक्राइब और कर देना। इसे भाई इसके पास ही छोड़ता हूँ, ज्यादा परेशान नहीं करता।